और अतीक अहमद से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा का ऐलान हो गया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है न्यूज वन इंडिया। एमपी एमएलए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। उमेश पाल अपहरण मामले में उम्र कैद की सजा हुई है। अतीक हनीफ और दिनेश पासी को उम्र कैद की सजा, बाकी सभी दोषी दोष मुक्त हो गए हैं। तो जिस चीज का इंतजार था, आज चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती। पीड़ित परिवार लगातार इंसाफ की मांग कर रहा था, आखिरकार इंसाफ हुआ है। अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट अतीक अहमद को लाया गया था साबरमती जेल से, और आज सुनवाई के बाद दोषी करार हुए था अतीक अहमद, और आखिरकार अब सजा सुना दी गई है उम्र कैद की। उमेश पाल अपहरण मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 17 साल बाद आखिरकार इस पूरे मामले में फैसला आया है। अतीक हनीफ और दिनेश पासी को उम्र कैद की सजा प्रयागराज एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई है। तो बड़ी खबर न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। ट्विटर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। प्रयागराज एमपी एमएलए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। उमेश पाल अपहरण मामले में उम्र कैद की सजा अतीक अहमद को मिली है। आतंक का पर्याय बन चुका अतीक अहमद, अब आजीवन कारावास में ही रहेगा।